अच्छा लगेगा। प्रशांत जी आइए, प्रशांत जी आइए, आइए सर, क्योंकि सर प्लीज कम फॉरवर्ड। सर इधर सर, शिल्पा चावला जी की एंड जैसे रितु सूर जी की फैमिली का फॉरवर्ड एंड वेलकम पार्ट ऑफ जो प्रेजेंट का साथ जो उनके सीए जी के बच्चे जी तस्वीरें आपने देखी जेसीए करनाल अजायले की 16वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी की, और इस समय आप देख सकते हैं जो मौजूदा प्रधान है, जो नए प्रधान चुने गए हैं, मोहित कुमार हमारे साथ मौजूद है, और जो पूर्व में प्रधान रहे हैं हरसिमरन वधवा वो भी हमारे साथ मौजूद है, और आप देख सकते हैं जो बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं नेशनल प्रेसिडेंट सर अनीस सी मैथ्यू जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस समय सबसे पहले हम अनीस जी से जानना चाहेंगे, सर योर बेस्ट विशेस फॉर योर नई न्यू टीम जेसीए करनाल अजायले। Yeah, I'm very happy and proud to say that being the chief guest of the 16th installation of Mohit Kumar. So being from Kerala and being seeing this fantastic venue and everything, and the report of 29 in person Harvishan, then it was so it's a privileged moment and it's a proud moment being a national person attending this. So I'm wishing you all the very best, because he can continue the legacy. If a person like this is there and I on the post of an immediate past president, he can guide him like anything and make the Mohit Kumar one of the outstanding long president of JCI India. I wish you all the very best. Thank you sir. So ye aapne dekha national president hai JCI India ke अनीस सी मैथ्यू, और इस समय हमारे साथ हरसिमरन वधवा है जो पूर्व प्रधान रहे हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, काफी अच्छा कार्यकाल आपका रहा, हमने भी आपके साथ रहकर काफी सोशल प्रोजेक्ट्स में जो है काम किया, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा आपका एक साल रहा, और अपनी टीम जिन्होंने आपका साथ दिया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज कमल मिड्डा जी का और सारे मीडिया साथियों का, जिन्होंने कि पूरे साल हमारे हर एक प्रोजेक्ट को कवर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने जो भी कार्य किया समाज के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया, अपनी फैमिलीज़ के लिए किया, और सभी मेंबर्स बहुत खुश थे। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर भी आए, उन्होंने भी रिपोर्ट को बहुत सराहा, और हम आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। हमारे नए प्रेसिडेंट जेसी मोहित कुमार इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे से ये कार्य जारी रखेंगे। तो आपने देखा कि नए प्रधान जो है चुने गए हैं, आज 16वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन जो है करनाल के जीटी रोड पर स्थित होटल विवान में किया गया था, और आपने देखा नेशनल प्रेसिडेंट जो है उस समय पहुंचे थे, और इस समय हमारे साथ नए प्रधान जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मोहित कुमार जी सर आपका स्वागत है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे, नई जिम्मेवारी आपको दी गई है वर्ष 2020 की यानी 2020 की, तो क्या कुछ कार्य आप आने वाले दिनों में पूरे साल में करने वाले हैं नई टीम के साथ, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कमल जी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि कमल जी ने बताया, मैं अभी यहाँ पर 2020 के लिए प्रेजिडेंट अभी इंडक्ट हुआ हूँ। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं हमारा पिछले साल का कार्यकाल कैसा था। JCI की जो आस्था है, JCI जो काम करती है सबसे ज़्यादा करती है मानवता के लिए, दूसरा होता है जो ट्रेनिंग होती है जो हम अपने मेंबर्स के लिए भी और लोगों के लिए भी जो करते हैं।
हम लोगों के पास बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने अभी स्टार्ट किया है। सबसे पहले 1 जनवरी से हमने जो मानवता के लिए कार्य स्टार्ट किया है, हर रोज़ हम एक ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं, और उस ब्लड डोनेशन जो नीड ब्लड कॉल JCI एक हमारा प्रोग्राम होता है, एक ब्लड डोनेशन रोज़ हम करवाते हैं, उसका ब्लड बैंक में हम रिकॉर्ड रखते हैं, और जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको उस ब्लड की नीड है लेकिन उनके बदले में उनको देने के लिए डोनर नहीं है, उस ब्लड को देने वो हम उनको ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। तो 366 दिन का ये प्रोजेक्ट है, 366 रक्तदान होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम से कम 366 हैं, और लोगों को हम ये प्रोवाइड करवाएंगे जिनके पास डोनर नहीं है। तो दूसरी बात जब ट्रेनिंग की बताई, अभी हम MDD बाल भवन गए थे, वहाँ के बच्चों के साथ हमने एक कॉन्टेस्ट किया था, स्पीच कॉन्टेस्ट। हमारे यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें लोगों को बोलना सिखाया जाता है, तो MDD बाल भवन के बच्चों को कैसे उन्होंने अच्छी तरह एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम इस साल में लाइंड अप हैं, और कमल जी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप मैं उम्मीद करता हूँ इस साल भी हम अच्छा काम करेंगे, और आपको पता है हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं, करनाल गोट टैलेंट है, JCI वीक में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ऐसा करते रहेंगे और टाइम टू टाइम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा एक फेसबुक का पेज है JCI करनाल एजाइल, उसको आप लाइक करें और आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये आपने देखा नए प्रधान इस समय हमारे साथ मौजूद थे, मोहित कुमार, जिनको JCI करनाल एजाइल की जो है जिम्मेवारी दी है। 16वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन जो है करनाल के विमान में किया गया था, जैसा कि आपने देखा, जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट जो है अनीस सी मैथ्यू सर वो यहाँ पर पहुंचे थे बतौर मुख्य अतिथि, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। हमारी अपील आप सभी से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। PD. We have pandemic situation. Lesson number 3. You have to go give it a go. If you are asked to complete a leadership role or any task in JCI, take it. The journey is worth it. I cannot believe that it has been 5 years since I joined this room. Now in my hand, it seems like a blink of an eye. At least I'm consistent. I have been a member for around 5 years and not taking it on other than joining. Being asked to do this job changed all that for me. It made me see other members out to get to know the faces. Meera Sabhagya hai ki mujhe chapter JCI Karnal Ajay ki JCI chairperson banne ka mauka mila. Lekin kya hai
बाहर निकल गए। जैसे हमें ठीक लग रही है जैसे बिल्कुल बात है सर सर वीडियो दस के सर सामने सर 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 सामने सर सामने आज के
So I'm very happy for that. And also from Disha.